सर जनवरी में थलापति विजय की फिल्म वरीसू आ रही है, क्या लगता है 25 जनवरी को आने वाली पठान के कलेक्शंस पे असर पड़ेगा? जी हाँ, देखिए दोनों फिल्में आ तो रही हैं और दोनों ही बड़ी फिल्में होने वाली हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वरीसू को ऐसा डायरेक्ट क्लैश नहीं कर रही। वरीसू जो है पहले ही रिलीज हो जाएगी, वो 25 जनवरी को नहीं आ रही। अगर वो पठान के साथ रिलीज हो रही होती तो सिनेरियो अलग होते, तो फिर हम अलग तरह से समझते चीज़ों को और अलग तरह से बात करते। लेकिन दोनों फिल्में थोड़ा सा अलग समय पर आ रही हैं, हालांकि लेकिन ये दोनों काफ़ी बड़े स्टार्स हैं। मतलब थलापति विजय हम सभी जानते हैं कि साउथ में तमिल में बहुत ही बड़े सुपर स्टार में गिने जाते हैं, बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। ऐसे ही उनको थलापति नहीं कहा जाता है, थलापति की उपाधि उनको मिली हुई है ऑलरेडी, वो बहुत ही बड़े स्टार है। ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें तो फिर शाहरुख खान की भी यहाँ पर फिल्म आ रही है, लेकिन अगर आप देखें कलेक्शंस के मामले में, अगर हम बात करें कलेक्शंस डाउन होने के मामले में, तो देखिए पठान को भले ही YRF जो है तमिल तेलुगु सब जगह फलाना भाषाओं में रिलीज करने की बातें ज़रूर कर रहा है और वो कर रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा तमिल वमिल में तो खैर कोई चांस ही नहीं है कमाने पाने का, और तेलुगु वगैरह में भी कोई इतना ऐसा खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी, है ना। तमिल तेलुगु मलयालम में उतना कोई कलेक्शंस नहीं करने वाली है पठानी, आप समझ लीजिए वैसे ही लो कलेक्शन होंगे। इसलिए लो कलेक्शन नहीं होंगे कि कोई वरीसू की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं तो ये कम ही कलेक्शन करने वाली है, और अगर हम पठान और वरीसू की बात करें तो वरीसू हिंदी में ऐसे कोई बड़े कलेक्शन या कुछ गजब के मतलब कलेक्शन देगी तो वो भी कलेक्शन अच्छे करेगी, लेकिन ऐसा कुछ गजब के कलेक्शन नहीं कर देगी कि बिल्कुल नोटिस करने वाले हों या ऐसे हो, वो ठीक ठाक से ही करके निकल जाएगी, है ना, या फिर कहीं ना कहीं वो बिलो एवरेज ही रह जाएगी। उसके बाद अगर हम पठान की बात करें तो पठान फिर बहुत ही गजब के रिकॉर्ड्स बनाने वाली हिंदी में, ज़बरदस्त होने वाले हैं, ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाएगी, अलग ही लेवल के होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि थलापति विजय की फिल्म भी अपनी जगह पर सही अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी, तमिल से ही बहुत ज़्यादा बिजनेस करके जाएगी वो फिल्म। और वहीं अगर हम पठान की बात करें तो पठान हिंदी से बहुत भारी भरकम कलेक्शन उठाने वाली है और ओवरसीज़ मार्केट से काफ़ी ज़्यादा। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट अगर हिंदी के अलावा है तो पठान के लिए ओवरसीज़ मार्केट है, यानी विदेशों में जितनी भी कमाई करेगी फिल्म का कलेक्शन, दूसरा सबसे ज़्यादा कलेक्शन हिंदी के बाद विदेशों से ही आने वाला है। तमिल तेलुगु वाली भाषाओं से बहुत कम कलेक्शन आने वाला, तो दोनों फिल्मों का अपना अपना लैंग्वेज का बैरियर है। इस वजह से वरीसू अपनी जगह सही कमाई कर लेगी और पठान फिर अपने आने वाले वक्त में बेहतरीन कमाई करने वाली है।